एक सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें 60 मार्क्स का कॉर्पोरेट अकाउंट है और 40 मार्क्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। द फर्स्ट एंड सिंगल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इन फर्स्ट ग्रुप अकाउंट और एफएम, यही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है फर्स्ट ग्रुप में। सेकंड ग्रुप में टैक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो 40 मार्क्स का आपको पढ़ना पड़ता है एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये वो सब्जेक्ट है जो आप लाइफ में पहली बार और आखिरी बार पढ़ोगे। आज के पहले आपने कभी पढ़ा भी नहीं एफएम और इसके बाद कहीं आएगा भी नहीं, लेकिन ये वो सब्जेक्ट है जो आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा, क्योंकि नाम ही उसका है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप सब बैठे ही इसी चीज के लिए हो इधर क्लास में, मतलब एफएम पढ़ने बैठे नहीं, नहीं आप सब ये जो अपनी जवानी के 3-4 साल खराब कर रहे हो, इसका अल्टीमेट इंटेंशन क्या है? सीएस बनना, लेकिन उसका अल्टीमेट इंटेंशन क्या है? पैसा कमाना। और यही सब्जेक्ट यही बात कर रहा है हाउ टू मैनेज द मनी। इवन कोई सीएस करे ना करे, सीए करे ना करे, वो पैसे तो कमाएगा, उसको ये काम आता है। ये वो सब्जेक्ट है जो आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा। और चूंकि ये वो सब्जेक्ट है जो पैसे की बात करता है, जो कि सबको पसंद है, ऐसा कोई नहीं है जिसको पैसा पसंद ना हो, तो फिर सबको ये सब्जेक्ट इसीलिए पसंद आता भी और आना भी चाहिए, क्योंकि ये पैसे को मैनेज कैसे करें उसकी बात कर रहा है, जो सबके काम की है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन देश में छोड़ो, स्टेट में अलग अलग है। हर देश में तो जाने क्या होगा, क्या पता वहां पार्टनरशिप फर्म बनती भी होंगी या नहीं। कंपनी लॉ हर देश का अलग अलग होगा, सिक्योरिटी लॉ हर देश का अलग अलग होगा, जितने भी लॉज हैं हर देश के अलग अलग होंगे। आपके पूरे सिलेबस में, इन एंटायर सिलेबस ऑफ द सीएस, केवल एक सब्जेक्ट है जो पूरी दुनिया में एक जैसा ही चलता है, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसको आप पढ़ लो, तो चाहे फिर कोई एमबीए फाइनेंस में पढ़ रहा हो या सीएफए कर रहा हो तो पढ़ रहा हो, या यूएस वाला सीएफ सीपीए कर रहा हो, यूएस का सीए वो पढ़ रहा हो, या कोई सीए इंटर या सीए फाइनल में पढ़ रहा हो, पढ़ेगा यही जो आप पढ़ रहे हो। बट डिफरेंस इतना सा है, आप रुपीज में पढ़ रहे हो, वो डॉलर में पढ़ रहे होंगे, पढ़ेंगे यही। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ग्लोबली सेम चलता है, इसलिए आज पहले ही लेक्चर में बता रहा हूं कि इस सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड कर लोगे ना अगर, तो एक तो यहां मार्क्स दिलाने में तो काम आएगा ही, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एग्रीगेट में खूब काम आते हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंस यह है कि आप आगे भी जाकर कई लोग बहुत एम्बिशियस है फाइनेंस की पढ़ाई करेंगे आगे जाकर, चाहे आप यूएस का सीपीए करें या सीएफए करें, या इवन मुझसे इंस्पायर होकर आपको लगे हम भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनेंगे, तो वैल्यूएशन की पढ़ाई करें, और वैल्यूएशन का कोर रूट इज फाइनेंस, और वहां आपको ये सब पढ़ना है जो आप यहाँ आज यहां से पढ़ोगे, यहां से जो आप आज से पढ़ोगे ये सब काम आएगा, लाइफ लॉन्ग काम आता है ये सब्जेक्ट। दूसरी बात, जैसा किताब में चलता है वैसा ही प्रैक्टिकली चलता है, देयर इज नो डिफरेंस। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ग्लोबली सेम चलता है। जो फॉर्मूला आप यहां बैठ के पढ़ रहे हो, हार्वर्ड वाला भी अगर एफएम पढ़ रहा होगा तो यही फॉर्मूला पढ़ेगा, बस वो क्वेश्चन डॉलर में सॉल्व करेगा, आप रुपये में करोगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या? इट्स ऑल अबाउट सिंपली मैनेजमेंट ऑफ मनी, ऑब्वियस है, ज्यादा टिपिकल नहीं करते। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम बात क्या करेंगे, पैसे को मैनेज करने की बात करेंगे। क्वेश्चन है, पैसा तो कमर्शियल लाइफ में भी काम आता है और पर्सनल लाइफ में भी काम आता है, हम यहां क्या पढ़ेंगे? ऑब्वियस आंसर है, हम कमर्शियल फाइनेंस को ही मैनेज करना सीखेंगे, मतलब फाइनेंस विच इज द नीड फॉर द बिजनेस। हाँ, एक चैप्टर ऐसा आएगा जो आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएगा, वो जब वो पढ़ेंगे तब सिखाऊंगा, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वो बिजनेस में भी यूजफुल है और आपकी पर्सनल लाइफ में और भी यूजफुल है।
तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस के एंगल से ही पढ़ेंगे, कमर्शियली पढ़ेंगे। अब मुझे बताओ बिजनेसमैन को पैसा, बिजनेसमैन का पैसे से क्या कनेक्शन है? सर पैसे से ही कनेक्शन है, पैसे से ही बिजनेस चलता है और पैसे के लिए ही चलता है। तो जब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ द मनी इन बिजनेस तो दो ही बात करते हैं। पहली बात करते हैं कि बिजनेस करने के लिए पैसा लाएं कहां से, और फिर दूसरी बात करते हैं कि जो पैसा लेकर आए हैं इस पैसे को लगाएं कहां। शायद दो ही बातें होती होंगी, पैसे को लेकर तीसरी कोई बात एग्जिस्ट ही नहीं करती है। पैसे को लेकर दो ही बातें होती हैं, कहां से लाएं और कहां लगाएं। कहां से लाना है पैसा वो दिमाग लगाना, और कहां अल्टीमेटली इसको इन्वेस्ट करें कहां लगाएं। तीसरी बात पैसे को लेकर कोई नहीं कर सकता, कुछ होती नहीं है। पैसा कहां से आएगा और कहां जाएगा यही बात होती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी हम दो ही बात करेंगे फ्रॉम द एंगल ऑफ बिजनेस, कि कहां से लाएंगे और कहां लगाएंगे। हम बोल रहे इसमें आप क्या सिखा दोगे और हम क्या सीख लेंगे, वो किराने की दुकान वाला अनपढ़ है, 1 करोड़ रुपए का बिजनेस करता है साल में, 15-17 लाख रुपए कमाता होगा साल के, उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है क्या? उसने कोई पढ़ाई नहीं करी, उसने 10th तक की पढ़ाई नहीं करी, उसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है क्या? नहीं आता। तो फिर वो बिजनेस कैसे कर रहा है? हमने ये कब का बिजनेस करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट आना चाहिए? तो क्या आना चाहिए? कुछ नहीं आना चाहिए, पैसा कहीं से ले आए और कहीं लगा दे, अपने दिमाग से कर ले फिर जो करना है। सीख कर कर रहा है क्या? नहीं, अपने एक्सपीरियंस से कर रहा है। और इसीलिए तो वो धोखा खा जाते हैं, इसीलिए तो वो गलत काम कर देते हैं, इसीलिए तो वो लॉस बना लेते कमा लेते हैं कभी भी। दो बातें समझो, एक है पैसे को लाकर पैसे को कहीं लगा देना, और एक दूसरा व्यक्ति है जो कहीं से सोच समझ कर ला रहा होगा और कहीं सोच समझ कर लगा रहा होगा। क्या इन दोनों पर्सन में कोई डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? सोच समझ कर कर रहा है एक व्यक्ति, और एक क्या कर रहा है, जहां से पैसा मिलता है ले आता है और जहां अपॉर्चुनिटी लगा देता है। कहीं से भी पैसा ले आना और कहीं भी लगा देना, दिस इज फाइनेंस बट दिस इज नॉट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और हम इस सब्जेक्ट में सीखेंगे कि उस फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है, सोच समझ कर कैसे लगाना है, तो वो सोच डेवलप होगी सब्जेक्ट के, फंडामेंटल्स डेवलप होंगे कि कैसे सोचना चाहिए पैसे को लाने के लिए और क्या सोचना चाहिए पैसे को लगाने के लिए। फिर से, क्या आपके पास किराने की दुकान वाला भी फाइनेंस तो कर ही रहा है, कहीं से तो पैसा ला ही रहा है और कहीं तो लगा ही रहा है, बट गलती क्या है, गैप क्या है? ही इज नॉट मैनेज्ड, उसको नहीं आता है। हो सकता है वो जो कर रहा हो वो सही कर रहा हो, लेकिन वो फंडामेंटल्स बेसिक को यूज करके नहीं कर रहा है। और हम यही सीख रहे हैं, वो भी कहीं से पैसा अरेंज करता है, कहीं लगाता है, लेकिन उसकी दिक्कत क्या है, वो जहां से मिलता है वहां से लाता है बिना सोचे समझे, जहां मर्जी पड़ती है, जहां अपॉर्चुनिटी देती है वहां लगाता है बिना सोचे समझे, तो इसको लॉस भी हो सकता है। और हम यही कह रहे हैं कि आप सोच समझ कर करो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम पहले तो दो पार्ट में डिवाइड कर लें, एक टर्म है पर वर्ड दो है, फाइनेंस और दूसरा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसको कहते हो? तो फाइनेंस का मतलब तो बहुत क्लियर है, इट्स ऑल अबाउट मनी। अब मैनेजमेंट का मतलब क्या? मैनेज करने की, मैनेजमेंट की बहुत सारी डेफिनेशन सुनी थी आपने 11th 12th में, है ना? एक सबसे पॉपुलर डेफिनेशन, मैनेजमेंट इंक्लूड प्लानिंग। अरे हाँ हाँ, आगे बोलो, ये तो बोल दो नालायक को। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, बहुत बढ़िया, कुछ तो याद है। अच्छा है, तो एक डेफिनेशन ये होती है, पर बहुत सारी डेफिनेशंस होती है मैनेजमेंट की। पर मैनेजमेंट शायद आपने सिंपली ये सीखा होगा कि मैनेजमेंट का मतलब होता है काम करना प्रॉपर तरीके से। क्या ये सबसे सिंपली मैं ऐसे मैनेजमेंट को डिफाइन कर सकता हूं? टू एग्जीक्यूट द थिंग्स इन प्रॉपर मैनर इज मैनेजमेंट।
हम भी यही कह रहे हैं, फाइनेंस को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करो, दिस वुड बी योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, पर सबसे पॉपुलर डेफिनेशन क्या है वो आप सब लिख लेना, पहले समझ लो। ऐसा बोला जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ टू थिंग्स, और आप भी जानते हो किन दो चीजों के मैनेजमेंट की बात कर रहे होंगे, क्योंकि फाइनेंस में चीजें ही तो होती हैं। तो लिखा जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग टू थिंग्स, किन दो चीजों का मैनेजमेंट करना है। पहला मैनेजमेंट करना है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, मतलब बताओ क्या फंड्स कहां से लाएं, इस चीज को मैनेज करना। एंड सेकंड वन इज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, मतलब क्या, समझ में आता है आपको, ये लिख लो इसको। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग टू थिंग्स। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल जानवी, चलिए ये क्लियर है आपको। अब वापस से मैं फिर पूछ रहा हूं, ये दोनों काम तो किराने की दुकान वाला भी एनी हाउ कर ही रहा है ना, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है वो केवल कर रहा है, और हम कह रहे हैं इन दोनों को क्या करना, मैनेज करना इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फिर से पूछ रहा हूं, हम क्या सीखेंगे, हम ये सीखेंगे क्या सोच समझ कर कैसे पैसा लाया जाता है, और पैसे को इन्वेस्ट करने के पहले क्या सोचना समझना चाहिए। तो मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जितने भी चैप्टर्स होंगे वो दो ही बारे में बात कर रहे होंगे, या तो पैसे को लाने के लिए डिसीजन या पैसे को इन्वेस्ट करने का डिसीजन। तीसरा कोई चैप्टर आप किसी भी लेवल पर किसी भी देश में किसी भी यूनिवर्सिटी में एफएम के नाम पे नहीं पढ़ोगे, दो ही पढ़ोगे, दो ही चीजें सिखा रहे होंगे, कहां से लाएं और कहां लगाएं। अब आगे आते हैं, ये सब कर क्यों रहे हैं? हाँ बेटा कर लो, ये रहा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट, जैसा भी आपकी नोटबुक है, आपको जो करना है टू एग्जीक्यूट द थिंग्स इन प्रॉपर मैनर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पहला डिस्कशन करते हैं, ये प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड को मैनेज करके मैं क्या हासिल कर लूंगा किराने की दुकान वाले अंकल और मेरे में क्या डिफरेंस आ जाएगा। मैं अगर प्रोक्योरमेंट को मैनेज करने लगा, सोच समझकर पैसा लाने लगा, तो क्या डिफरेंस मैं क्रिएट कर लूंगा, सोचो, ट्राई करो। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड को मैनेज करके व्हाट वुड वी कैन अचीव, व्हाट वुड वी अचीव, क्या अचीव कर सकते हो? हाँ अरे बैठे रहो ना, चलेगा। बहुत बढ़िया सर, पैसा हर कहीं से नहीं लाऊंगा फिर, अनवांटेड डेट, उधार पैसा जबरन में नहीं लाऊंगा, पैसा वहां से लाऊंगा जहां से कॉस्टिंग हाँ कम हो। तो इसलिए पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा कि किसी भी फंड की कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, ये जरूरत हो जाएगी ना, फिर वहां से लाओगे जहां कॉस्टिंग कम है। दूसरी बात, क्या पैसा लाने पर कोई रिस्क क्रिएट होती है? इक्विटी से पैसा लाने पर कोई रिस्क होती है कंपनी की? नहीं। डेट से लाने पर रिस्क होती है? हाँ। बताओ क्या सोच समझकर अगर इन्वेस्ट पैसा लेकर आओगे तो कहां से लेकर आना चाहोगे? जहां से पैसा लाने पर रिस्क कम हो, ये डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे। अगर आपने प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड को मैनेज किया तो फिर आप ट्राई करोगे कि पैसा वहां से लाएं जहां से पैसा लाने की कॉस्टिंग कम हो, और फिर पैसा वहां से लाना चाहूंगा जहां से पैसा लाने पर रिस्क कम हो। क्या ये समझ में आता है? ये जितने भी लोग अनवांटेडली पीछे बैठे हैं, स्पेशली शॉर्ट हाइटेड वाले लोग, मेरे जैसे लोग, मतलब ऐसे बुरा मत मानना, मेरे जैसे लोग जितने भी पीछे बैठे हैं, जबरन में आगे तीन बेंचेस खाली यहां बैठा करो ना, तुम्हारे केवल ये दिख रहे हैं सर के बाल, यहां कोई बैठा है उधर, ये इधर भी बैठे हैं एक दो, इधर बैठा करो ना, मीनिंग ऑफ कॉस्ट की बात करेंगे। दिया रुको, अब ये एक डाउट आया है, चलो डिस्कस कर लेते हैं। ये कॉस्ट का मतलब क्या, कोई पूछ रहा है इस कॉस्ट का मतलब क्या, बताओ ये कॉस्ट किस चीज की है? पैसे को लाने की। डिबेंचर से पैसा लाओगे इंटरेस्ट लगेगा, लोन से पैसा लाओगे इंटरेस्ट लगेगा, प्रेफरेंस से पैसा लाओगे डिविडेंड लगेगा,
तो वहां से लाना चाहेंगे। हर चीज की कॉस्टिंग अलग अलग है, मैं पहले कॉस्टिंग निकालूंगा, वहां से लाना चाहूंगा जहां से कॉस्टिंग कम है। एक और डिस्कशन आपने पूछा था, मैं भी एक चीज और डिस्कस कर लेता हूं। क्या लगता है आपको ये कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? हम एफएम में कौन सी कॉस्ट की बात करेंगे और कौन सी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे, कौन सी कॉस्ट की कैलकुलेशन सीखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ कैपिटल या दोनों? आप दिमाग लगाओ, मैंने तो नहीं बताया। बताओ एफएम का कंसर्न क्या होगा? नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कैसे सिखा दूंगा आपको? पैसे की कॉस्ट होती है, फैक्ट्री की कॉस्ट है, आप जानो रॉ मटेरियल कितना लग रहा है, वेजेस कितनी लग रही है, ये कितना लग रहा है, वो मैटर होता है कॉस्टिंग का। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी बोलो, अब एग्जीक्यूटिव नए सिलेबस में कॉस्टिंग नहीं है, तो ये टॉपिक आप कभी सीख नहीं पाओगे, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सीए वालों को एक पूरा सब्जेक्ट होता है, पहले यहां भी कॉस्टिंग एक सब्जेक्ट हुआ करता था अकाउंट के साथ, अभी हटा दिया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, मेरा सब्जेक्ट मैटर क्या होने वाला है? कॉस्ट ऑफ, मैं फैक्ट्री देखने कभी नहीं जाऊंगा, मतलब मेरा फैक्ट्री से कंसर्न नहीं है, मेरा कंसर्न है पैसा जहां से ला रहे उसकी कॉस्टिंग क्या। फैक्ट्री की कॉस्टिंग से कंसर्न किसको है? कॉस्ट मैनेजमेंट वालों को, वो सीए भी हो सकता है और एक कॉस्ट अकाउंटेंट सीए में जिनको बोलते हैं वो भी हो सकते हैं, उनको कंसर्न है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा यहां का काम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, हाँ एक डाउट और आया, क्या ये सीएस की लाइफ में इंपोर्टेंस रखता है एफएम? देखो आप सीएस करो या मत करो, ये सब्जेक्ट हमेशा कंसर्न रखता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद करो, आप बहुत खुश होते हो ये नाम सुनकर कि सीएस ये होते हैं कि मैनेजरियल पर्सन। कि मैनेजरियल पर्सन कौन होता है, मैं मानता हूं कि आप लोग समझते होंगे इतनी बात। मैं तो आपको ये बता दूं कि अगर आप की मैनेजरियल पर्सन के नाम में आना चाहते हो तो आपको साउंड नॉलेज होनी चाहिए उस कंपनी के बिजनेस की, देन फिर अकाउंट्स की, देन फिर टैक्सेशन की, देन फिर सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंस की, अदरवाइज आप की पर्सन नहीं बन पाओगे। की पर्सन जिसके बिना वो कंपनी नहीं चल सकती, तो वो बिजनेस का नॉलेज रखे और बिजनेस के नॉलेज में इनहेरेंटली एक नॉलेज अपने आप आनी चाहिए, फाइनेंस, पैसा। इफ यू आर नॉट स्ट्रांग इन द फाइनेंस आप केएमपी सर्वाइव ही नहीं कर सकते बीइंग अ केएमपी। ये चीजें आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। चलिए आगे आते हैं। सो प्रोक्योरमेंट को मैनेज करके क्या हासिल करोगे? प्रोक्योरमेंट को मैनेज करके क्या अचीव कर पाओगे? पैसे की कॉस्टिंग कम कर पाएंगे, सोच समझ के करेंगे तो, और ऐसी जगह से ला पाएंगे जहां से पैसा लाने में रिस्क कम है। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स करके क्या हासिल कर लोगे? यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का मैनेजमेंट करके क्या हासिल हो जाएगा, यह भी आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। बहुत बढ़िया सर, सर वहां पैसा लगाएंगे जहां से रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा हो, और दूसरा वहां पैसा लगाएंगे जहां पैसा लगाने पर रिस्क कम हो। ग्रेट, वेरी गुड। ये इंटेंशन है हमारे दोनों के। प्रोक्योरमेंट को क्यों मैनेज करना है? ताकि कॉस्ट कम हो पाए, रिस्क कम हो पाए। यूटिलाइजेशन को क्यों मैनेज करना है? डोंट क्लिक द पिक्चर्स, तुम्हारी नोटबुक का है एफएम की, इनकी प्रिंट निकलवा के कॉपी बनाओगे क्या? जितने भी लोग पिक्चर्स, और कई लोगों के पास तो नोटबुक ही नहीं, टेबल पे मेरे सामने बैठे हैं। शिट, ओ भाई ये नोटबुक में लिखना है सब। अच्छा एक्चुअली मेरी इमेज ही खराब है ना, कोई मानता ही नहीं ना मैं पढ़ाता हूँ, सबको लग रहा होगा टाइम पास ही कर रहे हैं, क्या पता आज मुंह बना के क्यों कर रहे हैं। बस ये व्यक्ति तो टाइम पास करने ही तो आता है, पढ़ाने के लिए तो शेयर रख रखे इन्होंने। विद्या कसम, मेरी डिग्री कसम, ये किताब का पढ़ा रहा हूँ सब, तुम मानो या ना मानो, विश्वास करो मैं पढ़ाने ही आता हूँ, मुझे पढ़ाने रखा हुआ है सर ने, वो अलग बात है लोग नहीं मानते। पढ़ाने के लिए तो शयान सर है, ये लोग तो ऐसे ही आते हैं टाइम पास करने बीच बीच में बस। यार कम ऑन यार, मेरी थोड़ी तो इज्जत करो, मेरी मत करो, मेरी नहीं है मैं मानता हूं, एफएम की तो करो, उसकी नोटबुक बनाओ, बड़ी सी नोटबुक और A4 साइज की नोटबुक बनाना, ये छोटे छोटे कैलेंडर टाइप की जो नोटबुक लाया ना ये मत करना, एफएम में ही इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, आज लिख लो आपको जहां लिखना है, कल शेड्यूल आ गया था ना कल से एफए में, तो तुमको क्या लग रहा है एक कॉपी में जैसे डबल ईटी खत्म हो गई थी,
दो कॉपी अकाउंट की लगेंगी, एक दो कॉपी एफएम की लगेंगी, दो कॉपियां सीएल की लगेंगी। तुम्हें पता नहीं तुम कहां अगर फंस गए हो, अभी तुमको छोटी गंगा बोल के नाले में कुदाया है, तुम्हें पता नहीं तुम कहां आए हो। मत ध्यान रखना डबलिटी में तुमने क्या किया था, वो जितनी जल्दी भूल जाओ अलग बात, बढ़िया है। असली सीएस स्टार्टअप हुआ है, एक कॉपी में मत करना सर। अरे विद्या कैसा मेरे सामने बैठे हैं बिना कॉपी के, तुम लोगों ने पिलाया है पुराने लोगों ने, मेरी कोई इज्जत नहीं करता कि ये व्यक्ति पढ़ाने थोड़ी आता है, पढ़ाने के लिए आंसर रखे हुए, हमसे थोड़ी कोई मानता है कि हम पढ़ाते हैं। इतनी इज्जत खराब हो गई है मेरी, कॉपी नहीं है यार सब्जेक्ट की मेरे, बोले आएंगे टाइम पास करेंगे निकल लेंगे। मत खींचो यार इसके फोटो वोटो कुछ भी है, सब नोटबुक में होगा तुम्हारे पास, कुछ दिन में पता चल जाएगा। ठीक है हाँ वो तो चलेगा ही। थैंक यू भैया। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स दो ऑब्जेक्ट से। अब देखो मेरी बात सुनो, आपको मैं इस सब्जेक्ट से और कनेक्ट करवा देता हूं दो मिनट। यार एक्चुअल में ये सिखा रहा है पैसे को किस तरह से प्लान करना चाहिए, और अल्टीमेटली सीएस करना ना करना सेपरेट बात, हर किसी का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है, पैसा कमाना। आपका सबका यही होगा ना, तो इसको ढंग से बोलो ना, पक्का ना। हाँ ऐसे बोलो ना, तो तुमको तो बहुत बड़ा परोपकार का काम करना है, किसी को नहीं करना मुझे बहुत अच्छे से पता है। और ऑब्वियसली कोई अपने जवानी के चार साल क्यों खराब करेगा परोपकार करने के लिए, नहीं करना किसी को, कोई चैरिटेबल काम नहीं करना है, खुद के पैसे छापने, इसलिए सीएस कर रहे हो आप। और अगर आपका भी ऑब्जेक्ट पैसा कमाना ही है तो इस सब्जेक्ट से आपका कनेक्शन बहुत अच्छा डेवलप होगा, ये सबसे करीब होगा सब्जेक्ट आपके दिल के, ये एक्चुअल बात करता है साला, पैसे की बात कर रहा है, बाकी सब एथिक्स वेथिक्स सिखा रहे हैं ये मत करो ना, सब फर्जी बात है। अल्टीमेट काम क्या है, पैसा। ये सब्जेक्ट आपके सब काम की बात करेगा, हाँ मेरे भी काम की बात मान ले ठीक है, आपके काम की बात यही सब्जेक्ट करेगा केवल, बाकी और सब्जेक्ट बेवकूफ बना रहे हैं हमें, एथिक्स फॉलो करो लॉ फॉलो करो, अगर भाड़े में जाए पैसा कैसे आना है वो तो सिखाओ पहले, फिर लॉ फॉलो कर लेंगे। अब हाँ किसी को हिमालय पे थोड़ी जाना है सीएस करके, किसी को नहीं जाना मुझे बहुत अच्छे से पता है। अब आप एक बात समझो, इन दोनों टॉपिक्स में एक एक चीज ऐसी है जिसे मॉनिटरी टर्म में इवेल्युएट नहीं कर सकते क्या। हाँ हाँ बिल्कुल, तो बाकी दोनों का मॉनिटरी टर्म में इवेल्युएट कर सकते हो। अब अल्टीमेट ऑब्जेक्ट देखो, हम एफएम पढ़े क्यों, एफएम को यूज क्यों करें लाइफ में। अगर एफएम सीखोगे तो प्रोक्योरमेंट को मैनेज कर पाओगे, यूटिलाइजेशन को मैनेज कर पाओगे, प्रोक्योरमेंट को मैनेज कर पाए तो कॉस्टिंग कम करने में हेल्प करेगी, और यूटिलाइजेशन को मैनेज कर पाए तो रिटर्न बढ़ाने में हेल्प करेगा। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, कर क्यों रहे हैं सब, ये होगा तभी तो आपका प्रॉफिट। ढंग से सोचो, अगर पी एंड एल के पॉइंट पर बात करें तो हम डेबिट साइड को कम कर पाएंगे और क्रेडिट साइड को बढ़ा पाएंगे, तो द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट इज व्हाट। तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, ये सब करने का ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्यों करना है ये सब। पहला ऑब्जेक्टिव, हम क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमाइजेशन, किस चीज का, प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, पैसा चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए दोनों काम करने पड़ेंगे। और देखो आप अल्टीमेटली निकल कर यही आ रहा है, कॉस्ट कम कर पाओगे, कॉस्ट किस चीज की, प्रोडक्शन की या कैपिटल की, कैपिटल की, और रिटर्न बढ़ा पाएंगे। सो द इंटेंशन इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक। अब मैं एक बात पूछता हूं आपसे, आपके अकॉर्डिंग आप कितने कमा लोगे आप उसके बाद नहीं कमाओगे कि ठीक है मेरा हो गया। हाँ बताओ, वो लोग जिन्होंने भी दो रुपए नहीं कमाए लाइफ में, उनसे जब मैं पूछ रहा हूं तो भी लालच देखो आप, कोई एक करोड़ दो करोड़ भी नहीं बोल रहा है, कहते क्यों बताऊं लिमिट, देयर इज नो लिमिट। तो मतलब आप खुद कह रहे हो कि ये ऑब्जेक्टिव कभी अचीव किया ही नहीं जा सकता, जितना कमाओगे वो कम है।
डिजायर्स कभी खत्म नहीं होती ना, ग्रीड है वो, पैसे को लेकर सबसे ज्यादा है, तो ये ऑब्जेक्ट कभी अचीव ही नहीं हो सकता कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूं। 30,000 करोड़ रुपए साल का प्रॉफिट है रिलायंस का, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा हूं, टर्नओवर की बात नहीं कर रहा हूं, प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और रिलायंस ग्रुप के टैक्स बात नहीं कर रहा हूं, एक कंपनी की बात कर रहा हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात कर रहा हूं। हो गया उनका ऑब्जेक्ट अचीव, मिशन अकम्प्लिश्ड नहीं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इस प्रॉब्लम को मैं समझाऊं उसके पहले एक एग्जांपल समझ लो। अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं कि दो नाम में से एक चूज करो, अंबानी और रतन टाटा, हु वुड यू चूज? क्या पक्का? अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन में कितनी भी बड़ी गैदरिंग में और किसी भी जगह पूछ लूं, चाहे वो सीएसीएस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बीकॉम वालों से भी पूछ लो, ट्वेल्थ वालों से भी पूछ लो, हो सकता है दो चार आंसर अंबानी के आ जाए नाम, बाकी मेजोरिटी क्या बोलेगी? रतन टाटा। क्या इतना कनेक्शन है आपका रतन टाटा से? नमक खा रहे हो उनका इसलिए? हाँ नमक खाया ऐसे, नमक का कर्ज चुका रहे हो? नहीं। अच्छा मैं बताऊं एक और बात, आपने आंसर ही गलत दिया है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूरा कहां था, किस बात के लिए चूज करना था? सर ये तो बताओ, इनके कस्टमर बनना है या इनके इन्वेस्टर बनना है? क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, फिर भी आपने कॉन्फिडेंस आंसर दिया, और हर बार ये आंसर आता है रतन टाटा। चलो मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, रतन टाटा या मुकेश अंबानी किसके पास पैसा ज्यादा है? हाँ यार कैसे अजीबोगरीब आंसर दे रहे हो, पैसा अंबानी के पास ज्यादा है और आप सेलेक्ट कर रहे हो टाटा को। हाँ एंड दिस इज फैक्ट, पैसा रतन टाटा से कहीं ज्यादा है इनके पास, अंबानी इसके पास, लेकिन उन्होंने केवल पैसा कमाया है और इन्होंने रेस्पेक्ट कमाई है, ये डिफरेंस है, इसलिए आप हमेशा चूज करते हो टाटा। मुझे कम से कम, हाँ ये 12-13 साल हो गए मैं पढ़ाते हुए, इस बीच में मैंने एफएम में कम से एफएम वाले पहले दिन कम से कम आज 100वीं बार पूछ रहा हूं ये क्वेश्चन में क्लास में, और ये वापस वही आंसर है। कुछ नहीं हुआ तुम तो, टाटा पर फोकस करते हैं ना, पैसा किसके पास ज्यादा है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उनका हो रहा है और वैल्यू किसकी ज्यादा है, ऐसा कैसे? उन लोगों की गुडविल बहुत है, उन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत काम किया है, बहुत एथिकल रहे, टाटा इज मोर एथिकल देन अंबानी, इसलिए रेस्पेक्ट है, इसलिए वैल्यू है। जब आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए जाते हो ना, तो देखो प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, प्रॉब्लम्स लिखता हूं या डिसएडवांटेज लिखता हूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि प्रॉफिट कॉन्सेप्ट ही वैग कॉन्सेप्ट है। क्यों लड़ रहे हो यार? प्रॉफिट कॉन्सेप्ट ही क्या है? वैग। रीजन आपने ही तो बोला था कि ये कभी भी अचीव हो ही नहीं सकता, जितना कमाओगे उतना ज्यादा कमाने की इच्छा होगी। नेक्स्ट, क्या पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा? क्या पर्सन टू पर्सन प्रॉफिट डिफरेंट होगा? पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होंगी चीजें या टारगेट डिफरेंट होंगे? कोई 1 करोड़ कमाकर सेटिस्फाइड हो सकता है, कोई 100 करोड़ कमाकर भी डिससेटिस्फाइड है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ प्रॉब्लम है कि पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकती है, पर्सन टू पर्सन टारगेट डिफरेंट हो सकता है, पर्सन टू पर्सन प्रॉफिट की डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है।
नेक्स्ट। हाँ वैग मतलब क्या, वैग मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओगे आप, जो एग्जिस्ट नहीं करती है, जो अचीव नहीं किया जा सकता। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कभी अचीव नहीं किया जा सकता, आप जितना कमाओगे उतनी ज्यादा ग्रीड होगी। नेक्स्ट बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बताओ अगर आपका ऑब्जेक्ट ही हो जाए पैसा कमाना, क्या इग्नोर करोगे? यस, इट इग्नोर्स द सोशल वेलफेयर। क्या ये भी होगा? आप एथिकल प्रिंसिपल्स को भी क्या करोगे? इग्नोर करोगे, एथिक्स को इग्नोर करोगे। नेक्स्ट जिसको केवल पैसा कमाना है ना, फिर वो सबसे पहले ये इग्नोर करता है रिस्क, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको ग्रीड है केवल, इसलिए तो लोग सट्टा लगाते हैं। स्पेकुलेशन का बेसिक रीजन क्या है, स्पेकुलेशन का बेसिक पॉइंट क्या है? बिना इन्वेस्ट किए रिस्क लेकर पैसा कमाने की कोशिश, इज स्पेकुलेशन। ये अंधेरा ज्यादा नहीं हो रहा है, ये लाइट्स ऑफ है मुझे लग रहा है बीच की। सारे स्विच ऑन है, अरे देखो ना यार। अंधेरे में बैठे हैं ये, बोले यार सो जाओ दिखेगा भी नहीं। इतनी प्रॉब्लम्स हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में। एक सब्जेक्ट जो इतने अच्छे नोट पर स्टार्ट होता है, इतने अच्छे काम का ऑब्जेक्ट होता है, उसका ऑब्जेक्ट ही पहला आया मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और उसमें बहुत सारी कमियां आ गई। और इसीलिए हम कहते हैं डोंट मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो फाइनली इस सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है ना, वो यही है जो मैं भी आपको इस एग्जाम्पल से समझा रहा था, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू या मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ इज द मेन ऑब्जेक्ट। हुआ करता था मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, लेकिन बहुत क्रिटिसिज्म हुआ इस ऑब्जेक्ट का। पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती हैं चीजें, पर्सन टू पर्सन टारगेट डिफरेंट होते हैं, इसीलिए अब इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ या मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू। और इसीलिए कहते हैं डोंट मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, मैक्सिमाइज द वेल्थ। यही डिफरेंस है, पैसा अंबानी के पास ज्यादा है लेकिन वैल्यू टाटा की ज्यादा है। तो क्या टाटा ने पैसा नहीं कमाया? बिना पैसे की इज्जत हो सकती है? हाँ नहीं, कमर्शियल लाइफ की बात कर रहे हैं हम, कमर्शियल लाइफ में विदाउट मनी देर कैन नॉट बी एनी वैल्यू और वेल्थ। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड वेल्थ, प्रॉफिट और वैल्यू? बिना प्रॉफिट के वैल्यू भी क्रिएट नहीं हो सकती और केवल प्रॉफिट से भी वैल्यू क्रिएट नहीं हो सकती। इसलिए इक्वेशन बता रहा हूं, ये इक्वेशन केवल आपके मेरे और क्लास के काम की एग्जाम में नहीं लिखनी है, केवल यही लिखकर यही के लिए यूज करना है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आप जब प्रॉफिट कमाते हो ना इन चीजों के साथ में, प्रॉफिट कमाओ लेकिन साथ में आपकी क्या क्रिएट हो, गुडविल, साथ में आपकी बनी इमेज, साथ में आप कंसीडर करो सोसाइटल एस्पेक्ट, ये पैसा कमाओ एथिक्स के साथ में, यही प्रॉफिट आपके लिए क्या बनेगा, वैल्यू। ये मेरी बनाई हुई इक्वेशन है, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है सिलेबस से, फिर कह रहा हूं ये हमारे काम के लिए बस, ताकि हम डिफरेंस बता पाए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अंबानी एंड टाटा। अच्छा मेरा अंबानी से कोई पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एग्जांपल केवल नाटकीय घटनाक्रम को समझाने के लिए था, इसका पर्सनल लाइफ में कोई रिलेशन नहीं, मेरा केस मत लगवाना रिलायंस से डिफेमेशन का। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो अब ऑब्जेक्ट क्या है, ये सुनो ध्यान से,
एफएम पढ़ाते पढ़ाते कम से कम 50 बार पूछूंगा कि क्यों पढ़ रहे एफएम, तो ये मत बोलना 40 नंबर के लिए या सब्जेक्ट में इसलिए, वरना हम तो क्यों ही पढ़े हैं, या आप पढ़ा रहे हो इसलिए आप देख लो पढ़ाना नहीं पढ़ाना है। आंसर है ऑब्जेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वैल्यू या मैक्सिमाइज द वेल्थ। ऑल राइट, आज का लास्ट डिस्कशन, ये वैल्यू क्रिएट कैसे होती है। ऑब्वियसली ये तो इक्वेशन हमने बना ली, बट फाइनेंस के एंगल से बात करते हैं हाउ वी कैन क्रिएट द वैल्यू। यार वैल्यू का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है जो आगे ना जानने कितने फॉर्मूले बनाने में हेल्प करेगा इस चैप्टर में। वैल्यू का एक फॉर्मूला है, पहले लिखता हूं फिर इसको समझाता हूं। वैल्यू इक्वल टू परफॉर्मेंस अपॉन एक्सपेक्टेशंस। वैल्यू क्रिएट होती है ऐसे, व्हेन यू डिवाइड द परफॉर्मेंस बाय एक्सपेक्टेशन, व्हेन यू कंपेयर द परफॉर्मेंस विद द एक्सपेक्टेशन तब बनेगी वैल्यू। इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, बहुत काम का फॉर्मूला है। 10 फॉर्मूले बनेंगे कम से कम एफएम में इस कॉन्सेप्ट से जो आज फर्स्ट डे सिखा रहा हूं। जिनको अभी भी यकीन नहीं है, यकीन दिला रहा हूं, मैं पढ़ा ही रहा हूं, सिलेबस का ही पढ़ा रहा हूं, चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा हूं, चैप्टर नंबर 1 की बेसिक थ्योरी है, और फिर हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। होपफुली कल से ही कर देंगे, पहला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। सो वैल्यू इक्वल टू परफॉर्मेंस अपॉन एक्सपेक्टेशन कैसे होता है, तो इस बात को आप समझ लें। हर बिजनेस से लोग कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। चलो बिजनेस को भी थोड़ी देर के लिए हटा दें, नॉर्मल पॉइंट पर आ जाते हैं। आपकी भी किसी की लाइफ में किसी के लिए वैल्यू बढ़ेगी उसकी नजरों में या कम होगी, डिपेंड करता है वो आपसे एक्सपेक्ट क्या करता था और आपने उस एक्सपेक्टेशंस के कंपैरिजन में परफॉर्म क्या किया। अगर इस फॉर्मूले को, इतनी मैथ सब जानते होंगे, अगर आपने परफॉर्म ज्यादा किया किसके कंपैरिजन में, एक्सपेक्टेशंस जितनी थी उससे ज्यादा अगर परफॉर्म किया, वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर जितनी एक्सपेक्टेशंस हैं उससे कम परफॉर्मेंस किया, हाँ जल्दी बताओ, वैल्यू गिरेगी। जितने भी लोगों ने अभी 5-7 दिन पहले EET पास की है, कुछ लोगों को पास किए हुए 2-3 महीने हो गए, मई में जिन्होंने किया था, कुछ लोगों ने अभी अभी ताजा ताजा EET पास की है, अभी आपके घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है आपके लिए, नोटिस डिट। अरे यार हाँ तो ढंग से बोल लो, जिंदा होना सब, सब अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, सब पक्का समझ, जिंदा होना सब तो बोला करो ना यार। अभी आपके घरों में बहुत बढ़िया वैल्यू चल रही है आपकी, है ना। स्पेशली जितने भी लोग घर के बाहर रहते हैं, मतलब इंदौर में बाहर से आए और अभी अभी EET के रिजल्ट के बाद अभी आप 1-2 दिन अभी आए हो, तो बकायदा आपका बढ़िया स्वागत सत्कार करके विदा किया होगा आपको, है ना। बड़ा अच्छे से पढ़ाई करना, लोड मत लेना, हाँ बहुत बढ़िया, इज्जत किया आपकी जबरदस्त। और आपके घर वाले अभी आपके रिश्तेदारों से कह रहे हैं CS कर रही है, फर्स्ट लेवल पास हो गया, बस अब इंटर और फाइनल, 2 साल बाद CS बन जाएगी, कह रहे हैं या नहीं, जल्दी बताओ। अच्छा इसमें कोई गलत बात नहीं है, कहना भी चाहिए उन्हें, वो हक रखते हैं, पर आपको भी वही पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। बट हाँ लाइटली हम उसको समझ लें, क्योंकि हमारे दिल पर क्या बीत रही तो हम जान रहे हैं। ये आदमी बेवकूफ जैसे 3 दिन से परेशान कर रहा है, डेली बोल रहा है तुम कहाँ गए, तुमको नहीं पता, तुमको नहीं पता, और आप कह रहे हो बेटा बहुत बढ़िया जा लड़ाई करने जा, पता ही नहीं लड़ाई कौन सी भयंकर है, हमारे घर वालों ने इज्जत देकर हमको वहां से भेजा, आप डेली आके डिप्रेस करते हो। कई लोग तो दुश्मन मान लेते हैं मेरे को एग्जीक्यूटिव के शुरुआत के 3-4 दिन, हालांकि मैं हूं और रहूंगा आपका सबसे बड़ा दुश्मन बोले एग्जीक्यूटिव में, केवल टॉर्चर करने के लिए। बट ऑब्वियसली जितने भी लोगों को पढ़ना है ना, उनको पता है कि ये व्यक्ति परेशान क्यों कर रहा है। अगर आपका पढ़ना ऑब्जेक्टिव है तो जब मैं टॉर्चर करूंगा तब आप उसको पॉजिटिव लोगे कि बढ़िया है, हम इसके बिना पढ़ने वाले भी नहीं है। ये लड़ाई बहुत टिपिकल है, 80% रिजल्ट से 8 में आकर पास होना हर कोई नहीं होगा,
पर ठीक है, तो आपके घर वाले बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अभी आप जो मांगो मिल जाए, है ना, सब सब अवेलेबल है, अभी बहुत बढ़िया चल रहा है सब। रीजन, आपकी इज्जत इतनी बढ़िया हो रही है, क्यों? घर वालों को यह पता था 3 महीने पहले तक कि सीएस करना बहुत आसान नहीं होता, बच्चे फेल हो जाते हैं, बहुत टफ पढ़ाई है। उसमें भी आप घर पे बोलकर आए कि अप्रैल मई जून 3 महीने पढ़ के हम एंट्रेंस एग्जाम दे लें। आपके घर वाले भी इतने श्योर नहीं होंगे जितनी आपने हिम्मत की, पर आप जब पास हो गए तो सडनली आपकी वैल्यू बढ़ गई। बोल रहे हो आप सबके घर वाले, आप मानो या नहीं मानो, 3 महीने में एंट्रेंस एग्जाम पास किया है इसने। आपकी हंसी सब बता रही है, 3 महीने में एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया। लोग एक एक साल लगाते पास नहीं हो पाते, 3 महीने में कर गई हमारी लड़की। अब बस इंटर और फाइनल और है, सीएस बन जाएगी 2 साल बाद। जब जब आपके घर वाले इतने बड़ बोले बोल रहे हो ना, अपना भला चाहते हो, उन्हें रोक देना बोलने से। मत बोलो मत बोलो, बस लफड़ा है, मत बोलो, अभी कुछ मत बोलो, मना कर देना अपने घर वालों, कुछ मत, बड़ी बातें करो अभी। अब पता है क्या होता है, फिर जिनको नहीं पढ़ना या जो भी है, हम नहीं जाते पर्सनल पॉइंट पर अब आप आ गए एग्जीक्यूटिव में। अब आपके घर वाले आपसे अभी भी अब एक्सपेक्टेशंस, इवन जब एक बार आपने परफॉर्मेंस ज्यादा कर दी, वैल्यू बढ़ गई, अब आपसे एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा है। अब आपसे एक्सपेक्ट करके बेटा आपके घर वाले की एग्जीक्यूटिव भी एक बार में पास करेगी है। हमारा बेटा एग्जीक्यूटिव भी एक बार में पास करेगा दोनों एग्जाम। उनको ग्रुप ग्रुप कम समझ में आते हैं, ऐसे दोनों एग्जाम पास, दोनों एग्जाम एक साथ देगा। अब होता क्या है कि अगर वो बच्चा एग्जीक्यूटिव पास ना कर पाए, जूते पड़ते हैं घर में, है ना, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस थी बहुत ज्यादा। और क्या नहीं हुआ, परफॉर्मेंस वैल्यू गिर जाती है, और फिर हमको ही सुनना पड़ता है, हवा लग गई इंदौर जाके, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, एक एग्जाम क्या पास किया, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। खूब घूमती थी तू, मना करते थे तेरे को मत घूम, पर तूने क्या बोला, मम्मी एग्जाम का रिजल्ट आएगा उस दिन देखेंगे। अब देखा नहीं जा रहा, मैं तो एग्जीक्यूटिव आने के बाद बच्चों को बोलता हूं, इधर एग्जीक्यूटिव में उधर इंटर में, दोनों जगह एक ही बात बोलता हूं, घर वालों से जबरन के फेवर मत करवाना इंटर और एग्जीक्यूटिव में। तुमको नहीं पता है पाप कहां निकलेंगे, अभी तो तुम फेवर करवा लो तो घूम, ये बोल बोल के कि मैं सब कर दूंगी, मैं सब कर दूंगी, देखो आप रिजल्ट आएगा उस दिन बात करेंगे, घूमने जा रही, बोले मम्मी यार रिजल्ट आएगा तब बात करेंगे, 3 महीने में पास किया था ना एंट्रेंस एग्जाम। यार मत बोलना ऐसा कुछ भी, तुम्हें नहीं पता है तुम कहां बैठे हो, और तुम ये सब कर करके उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा लेते हो, फिर परफॉर्मेंस होती नहीं और फिर वैल्यू गिरती, फिर जूते खाने का काम करते हैं अपन। वापस से दूसरी बात, क्या कॉरपोरेट से, कंपनियों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स? हाँ, और अगर उस कॉरपोरेट को, उस कंपनी को अपनी वैल्यू मेंटेन करनी है तो उस एक्सपेक्टेशंस के रेस्पेक्ट में क्या करनी पड़ती है, परफॉर्मेंस, अदरवाइज वैल्यू नहीं बनती। ये पॉइंट आप पॉलिटिशियंस पर भी लागू कर सकते हो। नरेंद्र मोदी जी से इस देश की जनता को शुरुआत में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, 2014 में कोई भी गलत काम होता था हम बोलते थे मोदी जी आ जाएंगे सब सही हो जाएगा, बहुत हुई पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार 70 रुपए लीटर का पेट्रोल मिलता था 2014 में, इतना विकास हुआ पेट्रोल 110 रुपए लीटर हो गया। बहुत हुई डॉलर की मार, अब की बार मोदी सरकार 56 रुपए का था डॉलर, 72 रुपए का हो गया डॉलर, डॉलर का भी विकास हो गया। और इस चक्कर में आप और मैं इतने कैपेबल हो गए मोदी जी के मजे ले पा रहे हैं, रीजन हमें एक्सपेक्टेशंस थी बहुत ज्यादा, लेकिन उस रेस्पेक्ट में परफॉर्मेंस नहीं हुआ। जितने भी लोग क्रिकेट देखते हैं आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्या किया हार्दिक पंड्या ने, नाक कटा ली, क्या थी आपको उससे? अच्छा क्यों बोल रहे हो नाक कटा ली, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशंस थी शुभमन गिल से, सूर्य कुमार यादव से, हार्दिक पंड्या से, क्या आईपीएल में तो खूब मारते हैं, अब गालियां खा रहे तीनों, गिन गिन के सब खा रहे हैं। वो हार्दिक पांड्या तो हर मैच हार के डेली एक ही बात बोल रहे हैं, हारना भी अच्छा होता है, कुछ सीखने को मिलता है। कब तक सीखेगा, नहीं सीखना हमको वेस्ट इंडीज से हार के, ऑस्ट्रेलिया से हार के सीख कुछ, वेस्ट इंडीज से हार के क्या सीखेगा, और साला भी वर्ल्ड कप हो रहा है, क्या करोगे तुम, नंबर 4 डिसाइडेड नहीं आज तक, द्रविड़ जिसकी मर्जी पड़ती रैंडमली उसको भेज देता है,
ट्रायल एंड एरर कर रहा है पूरी टीम के साथ, चल रहा है ना ये। हम क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? क्योंकि हमें हमारी टीम से एक्सपेक्टेशंस होती हैं बहुत ज्यादा, और जब परफॉर्म नहीं होती ना, हम फिर उनके लिए क्रिटिसिज्म, हम गलत बोलने लग जाते हैं। पूरी लाइफ में, चाहे यहां हो या बिजनेस में हो, पूरा गेम है वैल्यू का दो चीजों पर बेस्ड। अगर परफॉर्म नहीं करोगे, ये रियल लाइफ के लिए भी ध्यान रखना, अगर पांच मिनट रुको, छोड़ूंगा तभी छोड़ूंगा, तुमको पता तो है जितना याद करके आऊंगा तो पूरा पढ़ाऊंगा ना, बेसिक खत्म करके जाऊंगा। जितना तुमने लेट चालू करवा था 11:30 की बैच को 11:45 में, मैं क्या करूं? तो अगर लाइफ में भी वैल्यू मेंटेन करनी है तो ध्यान क्या रखना, जितनी एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा उससे ज्यादा। ये हमेशा है, और इसीलिए कहते हैं वैल्यू इक्वल टू परफॉर्मेंस अपॉन एक्सपेक्टेशन। हां बहुत बढ़िया, रिलेशनशिप्स टूटने का बेसिक रीजन क्या है? एक्सपेक्टेशंस का हर्ट होना। और एक्सपेक्टेशंस ज्यादा कब होती हैं? जब आप बड़े बड़े वादे करते हो। शुरुआत में लोग क्या करते हैं, जस्ट स्टार्ट द रिलेशनशिप, क्या करते हैं, फेंकते हैं बड़ी बड़ी। उससे सामने वाले पार्टनर को क्या होता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, और फिर जो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है, फिर आप स्टेटस डालते हो एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। ये रिलेशनशिप में भी इसीलिए याद रखो, डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम एनीबडी एल्स। एक्सपेक्टेशन रखनी है ना, और सुखी रहना चाहते हो जीवन में, तो एक्सपेक्टेशन केवल अपने आप से रखो। दो लेसन सीख लो, एक्सपेक्ट केवल खुद से करो, दूसरों से नहीं, और परफॉर्मेंस खुद की सुधारो, दूसरों से एक्सपेक्ट मत करो। इंप्रूव योर परफॉर्मेंस एंड एक्सपेक्ट जस्ट फ्रॉम योर सेल्फ, तो ही एक तो सुखी भी रहोगे और परफॉर्मेंस करोगे तो वैल्यू भी मेंटेन्ड रहेगी। तो कंक्लूड कर रहा हूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ, बोलो जल्दी, मैनेजमेंट ऑफ टू थिंग्स। पहला किसका मैनेजमेंट करना है, प्रोक्योरमेंट का। दूसरा किसको मैनेज करना है, यूटिलाइजेशन को। प्रोक्योरमेंट को मैनेज करके क्या हासिल होगा, कॉस्ट कम कर पाएंगे, रिस्क कम कर पाएंगे। यूटिलाइजेशन को मैनेज करके क्या हासिल होगा, रिटर्न बढ़ा पाएंगे, रिस्क कम कर पाएंगे। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है, एसएम बढ़ने का, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए कहां शिफ्ट हो गए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ या मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू। और वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, परफॉर्मेंस अपॉन एक्सपेक्टेशंस। ठीक, खत्म करते हैं आज, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। अरे भाई।